नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। हिंदू धर्म में कुबेर देव को धन के देवता के नाम से जाना जाता है। धनतेरस के दिन कुबेर देव की पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि कुबेर देव की पूजा करने से व्यक्ति के दिन पलट जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संकट उत्पन्न होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुबेर देव को धन के देवता की उपाधि क्यों दी गई है? आइए जानते हैं कौन है धन के देवता कुबेर और कैसे मिली उन्हें ये उपाधि। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धन के देवता कुबेर लंकापति रावण के सौतेले भाई माने जाते हैं। रावण की मृत्यु के बाद कुबेरों को ही असुरों का नया सम्राट माना गया था। इतना ही नहीं, कहते हैं कि अगर घर की उत्तर दिशा में कुबेर देव का वास होता है तो ये भगवान शिव के परम भक्त और नौ सिद्धियों के देवता माने जाते हैं। शास्त्रों में कुबेर देव को धन के देवता बनाने के पीछे की कई प्रथाएँ प्रचलित हैं। ऐसी भी माना जाता है कि वह पिछले जन्म में एक चोर थे। बता दें कि स्कंद पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में कुबेर देव का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था जिसका नाम गुणनिधि था। नाम के विपरीत उनके एक अवगुण चोरी करना था। जब वह इस बात का पता उनके पिता को लगा तो उन्होंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और घर से बेघर होने पर वो भटकते हुए एक शिव मंदिर में पहुँच गए और वहाँ प्रसाद चुराने की योजना बनाई। मंदिर में एक पुजारी सो रहा था। उसने बचने के लिए गुणनिधि ने दीपक पर एक अंगूछा फैला दिया, लेकिन पुजारी ने उन्हें फिर भी चोरी करते हुए पकड़ लिया और इसी हाथापाई में गुणनिधि की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब गुणनिधि ने यमदूत लेकर जा रहे थे तो दूसरी ओर से भगवान शिव के दूत भी आ रहे थे। भगवान शिव के दूतों में गुणनिधि को भोलेनाथ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उस समय भोलेनाथ को ऐसा लगा कि गुणनिधि ने भगवान शिव के लिए जल रहे दीपक को बुझने से बचाने के लिए उस पर अंगूछा बिछाया था। गुणनिधि की इसी बात से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने कुबेर की उपाधि दी। इतना ही नहीं, उन्हें देवताओं के धन का खजांची बनने का भी आशीर्वाद दे दिया। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।